इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की वेबसाइट एक बार फिर हैक कर ली गई। हैकर्स ने इस बार जीएवीवी की वेबसाइट पर अश्लील वीडियो पोस्ट कर दिया था। मामले की जानकारी लगते ही विश्वविद्यालय के तकनीकी अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय हुए और उन्होंने वेबसाइट को तुरंत ब्लॉक कर अश्लील सामग्री हटाई। अब इसकी शिकायत साइबर सेल से भी की जा रही है। शिक्षा जगत लगातार हैकर्स के निशाने पर है। पिछले दिनों डीएवीवी इंदौर और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के मामले सामने आए थे। इसके अलावा डीएवीवी की वेबसाइट भी हैक हुई थी। अब एक बार फिर हैकर्स ने डीएवीवी की वेबसाइट को हैक किया। हैकर्स ने वेबसाइट पर अश्लील वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसकी जानकारी मिलते ही वेबसाइट को ब्लॉक कराया गया और अश्लील कंटेंट को वेबसाइट से हटाया गया। इसके अलावा पूरी जांच के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने वेबसाइट रिस्टोर की। विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो है कुछ समय के लिए हैक हुई थी और उसमें कुछ अशोभनीय लिंक डाल दी गई थी। हमने तुरंत जैसे ही जानकारी में आया उसे डिसेबल्ड कर दिया और दूसरा साइबर सेल को कंप्लेन करने भी हम लोग जा रहे हैं। नहीं, ये अभी हमें डिटेल्स जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स उसे देख रहे हैं। वैसे हम यह भविष्य के लिए सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट में इस तरह की कोई हैकिंग की घटना न हो। तो 2 महीने पहले भी अपने कुलपति मैम का भी जो मेल है वो हैक हो चुका था। नहीं, वो वाइस चांसलर मैडम का मेल हैक नहीं हुआ था। उनका फर्जी ईमेल आईडी किसी ने क्रिएट किया था, जिसकी रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। फर्जी ईमेल आईडी कोई भी किसी के नाम से क्रिएट कर सकता है और जिसने क्रिएट किया था उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा साइबर क्राइम को रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। और जहाँ तक वेबसाइट की बात है, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वेबसाइट में इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो और इसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। बता दें कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट लगातार हैकर्स के निशाने पर रही है। कुछ समय पहले भी वेबसाइट हैकिंग का मामला सामने आया था। उस समय भी डीएवीवी ने साइबर सेल में शिकायत की थी और अब इस ताज़ा मामले में भी डीएवीवी साइबर सेल में शिकायत करने की तैयारी में है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भी ये स्पष्ट किया है कि वो साइबर सिक्योरिटी के लिए पूरे कदम उठाएगा। प्रदेश की इस A+ ग्रेड विश्वविद्यालय की वेबसाइट का नंबर बार बार हैक होना कई सवाल खड़े कर रहा है।